लगाने की कोशिश, कुछ ऐसे मसलों पे कोशिश हो जहां आपके जीवन पर कोई असर ना पड़े तो चलो ठीक है, चल जाता है, राजनीति में सब कुछ जायज है कहते हैं। लेकिन कोई राज्य जल रहा है और वहां उस राज्य के नाम पर झूठ बोला जाए तो कितना वाजिब है? और यहां से सियासत को जरा टटोलने की कोशिश आपके नजरिए से करना चाहता हूं, कैसे देखा जाए इसको? मणिपुर मोदी जी के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है। मैं बताता हूँ क्यों बन चुका है। देखिए, जो उत्तर पूर्व का हमारा इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का, वो स्ट्रेटेजिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। वो छोटे छोटे राज्य हैं, कम जनसंख्या है, भारत से मतलब भारत के मध्य भाग से भौगोलिक रूप से दूर हैं। बावजूद उसके इंडियन सिस्टम में नॉर्थ ईस्ट का बहुत महत्व है। और जब मैं इंडियन सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो वो प्रधानमंत्री से आगे का सिस्टम, प्रधानमंत्री उसका एक हिस्सा है, इंडियन सिस्टम बहुत बड़ा है, तो वो इंडियन सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद कीजिए, जैसे मान लीजिए कि मिजो नेशनल फ्रंट है, कितने राउंड सरकारें बात करती हैं उनसे। याद कीजिए कि मुइवा एनएससीएन ग्रुप से नागालैंड, थाईलैंड में जाके भारत के गृह सचिव बात करते हैं, कई राउंड बात करते हैं। पद्मनाभ भैया, कोई कोई खास बात होगी ना कि भारत सरकार के इतने बड़े अधिकारी, कैबिनेट सचिव, गृह मंत्री, इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड, इन लोगों से संपर्क में रहते हैं। छोटे छोटे राज्य हैं, उन छोटे राज्यों के जाति विशेष के नेता हैं जो देश के बाहर भी रहते हैं, उनसे वहाँ पर बात होती है। इसलिए बात होती है क्योंकि उसका जो भौगोलिक स्थान है नॉर्थ ईस्ट का, वो बहुत महत्वपूर्ण है चाइना की दृष्टि से, तमाम दृष्टि से, इसलिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी शायद सिस्टम, जो इंडियन सिस्टम है, उससे कुछ अलग जाके कोई लकीर खींचना चाहते हैं जी। मैं याद दिला दूं कि जिस पे वो मिजोरम की बात कर रहे थे, उस वक्त मिजो नेशनल फ्रंट को ईस्ट पाकिस्तान, उस वक्त बांग्लादेश नहीं बना था, ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से हथियार दिए गए थे। पता नहीं मोदी साहब क्या कहना चाहते हैं। मैं उसके स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की बात कर रहा हूँ कि इंडियन सिस्टम उसको बहुत इम्पोर्टेंस देता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया और आपने देखा कि देश के तमाम राज्यों में हिंसा हो रही है, होती है, हरियाणा में हो रही है, लेकिन एक छोटे से राज्य में एक हिंसा हुई और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसले लिए हैं। 3 पूर्व जजों की कमेटी बनाई है, सीबीआई के ऊपर अपना चुनाव हुआ अफसर महाराष्ट्र से दिया है, मणिपुर की सरकार को कहा है कि कम से कम 5 अलग अलग राज्यों के पुलिस अधिकारी वहां पे लगाओ। सुप्रीम कोर्ट इतनी अहमियत अगर दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सिस्टम के अंदर की उस कंसर्न्स को, उस फिक्र को एड्रेस कर रहा है। राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि वहां पे आर्मी जो है वो ठीक कर सकती है, राहुल गांधी सिस्टम के अंदर की कंसर्न को एड्रेस कर रहे हैं, जिसको नरेंद्र मोदी या उनके ट्रोल मैनेजर शायद समझ नहीं पा रहे हैं या समझ कर भी इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मणिपुर का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आप याद कीजिए, अभी गर्ग साहब चर्चा कर रहे थे अमित शाह के भाषण की, आप याद कीजिए अमित शाह के भाषण का वो हिस्सा जिसमें मणिपुर बोल रहे हैं, वहाँ उन्होंने कोई जुमलेबाजी नहीं की, वहाँ उन्होंने शांति की अपील की है, एक्सेप्ट किया है कि गड़बड़ है, एक्सेप्ट किया है कि अशांति है। क्यों? क्योंकि वो अमित शाह जहाँ बैठे हैं वो सिस्टम को देख रहे हैं करीब से। मुझे लग रहा है कि मोदी साहब जो इंडियन सिस्टम है उससे कोई एक अलग रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, जिसमें कि वो सेना को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं राजनीति में। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात की, याद कीजिए राजीव जी,
कौन लोग थे? अटल बिहारी वाजपेयी, आरएसएस, आडवाणी, रैलियां निकाली थी इन लोगों ने ऑपरेशन भूस्तर के लिए। सेना को अकाल तख्त में भेजने के लिए रैलियां निकली थी आरएसएस की, वाजपेयी की, आडवाणी की। तो मुझे लग रहा है कि वाजपेयी मोदी साहब ने जो रास्ता अख्तियार किया वो आरएसएस से भी अलग है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का जो पूरा अवधारणा है उसमें ये ऑपरेशन ब्लू स्टार या सेना या नॉर्थ ईस्ट ये बहुत अहम है। ये कोई अलग रास्ते पे मोदी साहब चल पड़े हैं, जिसको हमको देखना होगा कि कौन सा रास्ता है। अब जो पॉलिटिक्स की बात है, आप ये याद कीजिए कि अभी ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजर ने एक लेख लिखा था कि हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी की के जादू पर, मैजिक पर हम बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते जी। मुझे लगता है कि ये बातें अब और मुखर होंगी। इस पार्लियामेंट के सत्र ने, जिसमें कि राहुल गांधी की वापसी भी हुई है, जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार मतों की के लिए आया भी नहीं था, सरकार का नैरेटिव जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि जो सिस्टम बहुत कंसर्न है नॉर्थ ईस्ट को लेकर और भारतीय सुरक्षा को लेकर और स्ट्रेटेजिक रीजन से, उस सिस्टम ने नरेंद्र मोदी की चुटकुलेबाजी को बहुत गंभीरता से लिया होगा राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, 1.5-2 घंटे की चुटकुलेबाजी को बहुत गंभीरता से लिया होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आगे का रास्ता मोदी साहब का बहुत डिफिकल्ट होगा, और वो आरएसएस से भी उनको, मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर आरएसएस से उनको कोई बहुत सपोर्ट मिलने वाला हो। और तमाम सारी थ्योरीज चलती है कि आरएसएस नॉर्थ ईस्ट में क्या किया या क्या नहीं किया, लेकिन जब तक जहां एक बड़ी बिग पिक्चर की बात आती है, जो नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, जहां सेना को पॉलिटिक्स में अगर इन्वॉल्व किया जा रहा है, जहां ऑपरेशन ब्लू स्टार को राजनीति में खींच लाया जाएगा, वहां पे मोदी साहब के लिए डिफिकल्ट होगा आगे की पॉलिटिक्स करना। गर साहब, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? देश भर में नेगेटिविटी फैलाने का जो एक सिलसिला चला है, उसका भी करारा जवाब दिया। और हालत ये थी कि विपक्ष के लोग चर्चा में, लोकतंत्र का दायित्व तो होता है जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए, लेकिन बीच में से ही भाग गए, सदन छोड़ करके चले गए, बहानेबाजी कुछ भी करी हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि वोटिंग होती तो ये गमंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती, कौन किसके साथ है ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। और इसलिए बचने के लिए